आओ बच्चों, मैं आपको आज एक कहानी सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है स्वार्थी दोस्त। एक दिन दो दोस्त अपने घर जा रहे थे, राम और श्याम। वह दोनों जंगल के रास्ते अपने घर जा रहे थे। अचानक उन्होंने जाते जाते देखा एक रीछ को अपनी तरफ आते हुए। श्याम ने राम को पीछे छोड़ा और वो झट से पेड़ पे चढ़ गया। राम को पेड़ पे चढ़ना ही नहीं आता था, लेकिन उसने कहीं पढ़ा था और उसे वो याद आया। उसने पढ़ा था कि जानवर कभी भी मृत लोगों को या मरे हुए लोगों को नहीं खाते। वह तुरंत नीचे लेट गया और अपनी सांस रोक ली। रीछ उसके पास आया, उसको सूंघा, उसके मुंह को सूंघा, उसको हर तरफ से देखा और उसके बाद उसके कान के पास कुछ सूंघ सांघ के चला गया। श्याम पेड़ से उतरा और उसने राम से पूछा, राम, रीछ ने तुम्हारे कानों में क्या कहा? राम ने बोला कि रीछ ने मुझसे कहा स्वार्थी दोस्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। इसीलिए बच्चों, हम कहते हैं जो मित्र सही समय पे सही तरीके से काम दे वही सच्चा मित्र होता है।